नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं नरेश शर्मा। लोकसभा चुनावों को लेकर जम्मू कश्मीर में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इंडिया अलायंस का प्रमुख सहयोगी और गुपकार अलायंस की एक महत्वपूर्ण पार्टी यानी कि पीडीपी ने अलग से कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कुछ देर पहले श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये घोषणा की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी के आगे कोई भी विकल्प नहीं रखा, जिसकी वजह से पीडीपी कश्मीर की 3 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मजबूर हो गई है। पीडीपी ने कहा कि कुछ ही दिनों में, 1-2 दिनों में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी हो जाएगा। इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी ललित जी और पवन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं पवन जी के पास जाऊंगा। पवन जी, क्या जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस का जो बिखरना था, या जो गुपकार अलायंस था, उसकी टूट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट ये अभी हो गया है? ये जो महबूबा मुफ्ती की जो घोषणा की गई है, महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो बयान आया है, क्या इसे इंडिया अलायंस का जम्मू कश्मीर में आधिकारिक तौर पर टूटना कहा जाएगा? देखिए, इसमें मैं 2 लाइनें कहूँगा। ख्वाहिशें ही हैं, जिंदा तो रहना है, मरने क्यों दें, भले ही राजनीति क्यों ना हो। ख्वाहिशें हैं ना, हर कोई व्यक्ति सोचता है कि मेरा दारोमदार रहे। अब देखिए, पहले जो गठबंधन हो रहा था उसमें जम्मू और उधमपुर डोडा सीट के ऊपर दोनों का गठबंधन हो गया कि यहाँ पे हम कैंडिडेट खड़े नहीं करेंगे, लेकिन अब लड़ाई है कश्मीरी वर्चस्व की, कश्मीर केंद्रित रीजन की। अब उसमें आप रजौरी पुंछ को भी जोड़ सकते हो, एक नया ऐड हो गया है। अब ये मत सोचिए कि जम्मू संभाग में रजौरी पुंछ का है, वो अब उसके ऊपर वर्चस्व की लड़ाई होगी कश्मीर के साथ। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि हमारा दारोमदार रहे, कब्जा रहे। पीडीपी को लग रहा है यार ये तो झटका हो गया, इन्होंने तो अपना कैंडिडेट दे दिया, हम कहाँ जाएंगे। पीडीपी का गढ़ है, महबूबा मुफ्ती का घर है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसको भी जिंदा रहना है, ख्वाहिश उसकी भी है। और बीच में आ गए गुलाम नबी आज़ाद। गठबंधन अब किस करबटें ले रहा है वो खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर महबूबा भी मैदान में आ जाती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मैदान में है, कांग्रेस को आप छोड़ दीजिए, तो गठबंधन किस बात का रहा। आपने इस सीट के ऊपर आपसी सहमति नहीं बना पाए, जहाँ जैसा कि महबूबा ने आज थोड़ा सा हिंट दिया था कि 2-3 दिन के भीतर फैसला हो जाएगा, इसका मतलब है कि आपकी सहमति नहीं बन रही है। तो कहीं ना कहीं गेंद जो है वो अब 3 पार्टियों के पाले से निकलकर 4थी पार्टी की ओर मूव हो गई है। अब डिपेंड करता है कि 4थी पार्टी जो कैंडिडेट के घोषणा के इंतज़ार में है वो किसको अनाउंस करती है। अगर वो कद्दावर नेता या फिर कोई कद्दावर चेहरा, चर्चित चेहरा मैदान में ले आती है, तो तीनों पालों से गेंद निकल के सीधी उस पार्टी के पाले में चली जाएगी। ठीक है, चलिए ललित जी, मैं आपके पास आऊँगा। 2019 के बाद जब 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटाया गया और उसके बाद जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो गुपकार अलायंस जो है वो अस्तित्व में आया। उसके बाद जब लोकसभा चुनाव की जब आहट हुई तो नेशनल स्तर पर इंडिया अलायंस बना, और हमने देखा कि कुछ दिन पहले दिल्ली में जो रैली हुई थी इंडिया अलायंस में, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला भी शामिल थे, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी शामिल थी, और दोनों ही जो लीडरान हैं वो एकजुटता की बात कर रहे हैं कि हम लोग इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं। लेकिन फारूक अब्दुल्ला भी कह रहे थे कि हम जब तक हैं वे इंडिया अलायंस में हैं, इंडिया अलायंस से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन उमर अब्दुल्ला की तरफ से हमने देखा कि पिछले काफ़ी समय से जो बयान आ रहे थे कि पीडीपी का तो अस्तित्व ही नहीं है और हम ऐसी पार्टी के लिए अपनी जीती हुई सीट नहीं छोड़ सकते जो सीट हमने जीती है, और पीडीपी हालांकि उसकी तरफ से कोई बयान नहीं आया, अब क्योंकि पीडीपी की महबूबा मुफ्ती को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के कहना पड़ेगा कि हमारे पास कोई चारा नहीं था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे पास कोई विकल्प नहीं रखा और मजबूरन हमें 3 सीटों पर जो है उम्मीदवार उतारने होंगे, तो इस डेवलपमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब गुपकार अलायंस हुआ था तो ये गुपकार उसी वक्त टूट गया था जब सज्जाद लोन हट गए थे। उन्होंने साफ कहा था कि ये जो अलायंस है ये अपने अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए हुआ है। फिर आ गया इंडिया अलायंस। पिछली डिबेट भी मैंने कहा था
कि आप जम्मू में जितना मर्जी कंप्रोमाइज़ कर ले, सेक्रीफाइस कर लीजिए एक दूसरे के लिए, लेकिन लड़ाई जो है वो रीजनल पार्टीज़ की होगी कश्मीर में, क्योंकि कोई भी रीजनल पार्टी सर मुझे नहीं लगता कि चाहेगी कि वो उसकी जगह ले। आप ये उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि पीडीपी का कोई अस्तित्व नहीं है, तो भाई यही पीडीपी थी ना जब सरकार बनाई थी कांग्रेस के साथ, अस्तित्व था। इसी पीडीपी ने भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ सरकार बनाई, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसका अस्तित्व नहीं है। और रही बात ये कि अपना कैंडिडेट उतार देना, तो कैंडिडेट उतारना ही था, क्योंकि हर एक पार्टी को खुद को जीवित रखने के लिए ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और महबूबा मुफ्ती जो हैं वो कोई भी नहीं चाहेगा कि भले ही मेरा कोई सांसद ना हो, भले ही कोई विधायक भी ना हो, लेकिन कम से कम अपने अस्तित्व की लड़ाई तो लड़ी जाए। और ये अस्तित्व ही है जो इतना फैसला ले रहा है। और इंडिया अलायंस किस चीज़ का अलायंस? बिहार में देखिए, नीतीश कुमार जी को पीएम का चेहरा बनाया जा रहा था, कन्वीनियर कहा जा रहा था कि वो चले गए भाजपा में। ममता बनर्जी ने साफ कह दिया मैं कांग्रेस को क्यों। और कोई भी पार्टी जो डेड हो रही हो उसे जिंदा दे रखने के लिए कोई भी अपनी सांस नहीं देगा। अगर उमर अब्दुल्ला को लग रहा है कि पीडीपी जो है वो ख़त्म हो रही है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो क्यों उनको ऑक्सीजन देंगे। इसमें एक चीज़ और है जो आप जो बात कर रहे हो, इसमें हमने पहले भी कहा था एक डिबेट में कि लड़ाई जो है वो विधानसभा के लिए है। बिल्कुल, आप इलेक्शन लड़ रहे हो एमपी की आपकी 3 सीटें हैं, अगर कश्मीर की हम बात करें वहाँ पर तो 2 आपकी इधर हैं, लद्दाख वाली को आप छोड़ दीजिए। यहाँ पे जो लड़ाई है वो इस बात को लेकर है कि विधानसभा के भीतर किस पार्टी का वर्चस्व रहेगा। और कश्मीर केंद्रित राजनीतिक दल जो है जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और अल्ताफ बुखारी की पार्टी, जहाँ पर सजाद गनी लोन की पार्टी, बिल्कुल इनकी लड़ाई उस इलाके के लिए अपने वर्चस्व की है। और जम्मू संभाग में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये 2 मुख्य पार्टियां हैं जहां पर इनका है। पीडीपी को 1-2 सीट लेकिन सर एक चीज़ और है, एक चीज़ और है गुलाम नबी आज़ाद की एंट्री ये बता रही है कि अगर वो चुनाव लड़ेंगे और पहाड़ी बकरवाल विजय बकरवाल का जो वोट है उनको मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी इसी को बुनाने में लगी हुई है कि हम कोई अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे, लेकिन अभी तक खड़ा नहीं किया। और जो शायद लोगों के जहन में ये भी आ रहा हो या एक रणनीति हो कि गुलाम नबी आज़ाद को कहीं बाहर से सपोर्ट नहीं किया। देखो, गुलाम नबी आज़ाद के बारे में मैंने पिछली डिबेट में कहा था कि बहुत ही दूरदर्शी नेता है। अच्छा, मैं आऊँगा, समझदार नेता है, आज़ाद पे मैं आ रहा हूँ, समझदार नेता है। मैं आपके सवाल से पहले बता देता हूँ कि समझदार नेता है, मुझे नहीं लगता कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, ये मैंने कहा था, लेकिन अब उन्होंने अनाउंस कर दिया है तो दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली पीछे कोई है। गुलाम नबी आज़ाद के ऊपर, गुलाम नबी आज़ाद के ऊपर मैं आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं पीडीपी का एक बयान आपको बता दूं। पीडीपी ने कहा कि जम्मू की जो 2 सीटें हैं उस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे भी कुछ संभावना है कि पीडीपी उधमपुर की अगर बात करें तो वहाँ पर जो नॉमिनेशन का जो टाइम था वो निकल गया है, लेकिन जम्मू का शायद अभी टाइम है। तो वहाँ पर क्या आपको लगता है कि पीडीपी वहाँ पर भी अपना कैंडिडेट उतार सकती है? मुझे नहीं लगता। फोकस जो है वो पीडीपी का भी, कश्मीर के 3 मैंने कहा ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी अपनी पार्टी, सजाद गनी लोन की पार्टी, सीपीआईएम, जितनी भी ये पार्टियां हैं ये कश्मीर केंद्रित हैं, इनका लड़ाई वर्चस्व की उस इलाके में है जहां से ये बहुमत लेकर आते हैं। राजनीतिक सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती जहाँ तो अनंतनाग सीट से इलेक्शन लड़ेंगी या फिर श्रीनगर से लड़ेंगी, आपको क्या लगता है कि पॉसिबिलिटी क्या है? लड़ाई देखिए कहीं से भी लड़ें, अनंतनाग क्योंकि विजयवाड़ा में उनका होम टाउन है, उसको छोड़िए, देखिए लड़ाई कहीं से भी वो लड़ें, अपने वजूद की लड़ाई, बिल्कुल वजूद, मुझे पार्टी को खड़ा करना है, फिर से स्ट्रांग करना है, क्योंकि पार्टी बिखर गई है, कई बड़े नेता जो है उससे अलग हो चुके हैं। और ये इम्तिहान भी है मुझे लगता है महबूबा मुफ्ती का कि वो अपनी पार्टी को किस तरह से मजबूत करके रखे। इससे बड़ी फाइट क्या हो सकती है कि आपके जम्मू कश्मीर के 4 पूर्व मुख्यमंत्री एक ही सीट के ऊपर लड़ेंगे, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद, महबूबा मुफ्ती, 4 पूर्व मुख्यमंत्री एक सीट के लिए वहाँ कश्मीर में इलेक्शन लड़ रही है। तो अब रजौरी अनंतनाग की सीट के ऊपर आप गुलाम नबी आज़ाद वहाँ पर आगे हैं, महबूबा मुफ्ती वहाँ पर आएगी, 4 पूर्व मुख्यमंत्री लड़ाई हो, अनंतनाग सीट पर आएंगे। और अनंतनाग सीट की बात करें तो काफ़ी जो दिलचस्प मुकाबला है, जो फोकस है वो अनंतनाग सीट पर रहने वाला है, क्योंकि
खुला, जैसा आपने कहा गुलाम ने भी आजाद वहां पर एंटर लेना, लेकिन चर्चा उसी सीट की है, उधमपुर डोडा की। आप उसको भी पीछे छोड़ सकते हैं, लाल सिंह वर्सेस डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और देखिए लाल सिंह का जिस तरह से घर घर जाना है, बिल्कुल पैदल पहाड़ों पर लोगों के घरों के अंदर लोगों को एकजुट करना, रूठों को मनाना, और डॉक्टर साहब भी अब उसी राह पर चल रहे हैं। जिन पर ये आरोप लगता था डॉक्टर साहब पर कि उनको गांव के नाम नहीं पता, वो गांव का रास्ता नहीं जानते, उन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वही डॉक्टर साहब अब लोगों के घरों में जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, पहाड़ चढ़ रहे हैं। लेकिन लड़ाई जो है वो वाकई दिलचस्प है। जीतेगा कौन ये तो जनता ने मन बना लिया किसको जितवाना है। लेकिन अनंतनाग की सीट पर हम बात करें तो पवन सर से मैं एक सवाल पूछूंगा कि सरूरी का डोडा उधमपुर से खड़ा होना और आजाद का अनंतनाग से खड़ा होना, जो आरोप लग रहे थे बी टीम के भारतीय जनता पार्टी के, आपको लगता है कि धीरे धीरे ये सही हो रहा है? क्योंकि वोट तो ये कांग्रेस के इसमें दो चीजें आपको उन्हीं के काटेंगे ना। आप उधमपुर डोडा सीट को लेकर चलेंगे तो वहां पर तो ये कन्फर्म है कि जो कटिंग होगी वोटों की वो कांग्रेस की होगी, मैक्सिमम कांग्रेस की होगी। एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा कि उधमपुर जो कठुआ की सीट है 19 तारीख को वहाँ पर मतदान होना है और उस दिन शुक्रवार है। शुक्रवार मुस्लिम जो वोटरों की तादाद काफ़ी अच्छी खासी है और नमाज का उस दिन समय होता है, तो कहीं ना कहीं ये भी बात चल रही है कि भैया मुस्लिम जो वोटर है वो नमाज अदा करेंगे उस दिन मस्जिद में, तो संतोषी माता का भी व्रत रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम जो टर्नआउट है वो कम हो सकता है। मैं कह रहा हूँ शुक्रवार को तो लोग संतोषी माता के व्रत रखते हैं, लोग तब भी हम इसको अगर उस एंगल को छोड़ दें, हमारी बात हो रही है कि गुलाम अहमद सरूरी कांग्रेस का, अगर मुस्लिम टर्नआउट कम हुआ, मुस्लिम अगर कम वोट डालते हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो नुकसान है वो आपको कैसे लगता है कि शुक्रवार की नमाज पढ़ने के कारण वो कम होगा कि शुक्रवार? नहीं नहीं कह सकते ऐसा होगा ही, अरे पूरे दिन वोटिंग। एक मिनट, वो कैसे होगा? बात नमाज थोड़ी होती, उस दिन तो ज्यादा निकलेंगे बाहर, पूरा दिन वोटिंग रहना तो पूरे दिन नमाज नहीं होगी। नमाज का शुक्रवार को तो ज्यादा निकलेंगे लोग बाहर। को छोड़ देते हैं हम, उस एंगल को नहीं टच कर रहे। शुक्रवार को ज्यादा वोटिंग, अरे नरेश जी शुक्रवार को ज्यादा वोटिंग होने के चांसेस हैं, टच नहीं करेंगे। और कदम सुनिए, देखिए इस तरह से जो मुस्लिम जो है ज्यादातर अब मस्जिद में गए नमाज पढ़ने अलग अलग दिन, तो कुछ घर में पढ़ लेते हैं कुछ। शुक्रवार तो स्पेशल आप देखिए, आप जम्मू के दफ्तरों में देखिए शुक्रवार को बकायदा दफ्तरों में एक किस्म की छुट्टी, आप देखिए एक किस्म के जो दफ्तर जो है वो खाली रहते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं। तो इसका मतलब अगर दफ्तर के एम्प्लॉय सरकारी एम्प्लॉय शुक्रवार को नमाज पढ़ने बाहर निकलते हैं तो सोच लीजिए, मुझे नहीं लगता शुक्रवार का कोई इम्पैक्ट। वही तो मैं कह रहा हूँ, ज्यादा होगा। मैं जो चीज़ कह रहा हूँ वो ये है कि गुलाम अहमद सरूरी वहाँ पर कांग्रेस का वोट काटेंगे और गुलाम नबी आज़ाद उस इलाके में जहाँ पर वो खड़े हो रहे हैं वहाँ पर वो किसका वोट काटेंगे, कांग्रेस का साथ में एनसी का साथ में पीडीपी का, वो इन फायदा किसको होगा? ये तो पूछ रहा हूँ आपसे, किसको फायदा होगा? भाजपा फायदा तो भाजपा होगा। तो क्या भाजपा अपना कैंडिडेट उतारेगी? आप नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बीजेपी पर ऊपर आते हैं कि आपको क्या लगता है कौन कैंडिडेट होगा? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से मियां अल्ताफ की भारतीय जनता पार्टी में दो नाम जो हैं इस समय फ्रंट लाइन में है, एक तो रविंदर रैना और एक डॉक्टर शहनाज गनई। इसी बीच में ब्यूरोक्रेट का नाम आ रहा है कि एक या दो ब्यूरोक्रेट हैं जिनसे बातचीत हुई थी, अब आ जाके बात होती है एक के ऊपर कि शायद आईएएस अफसर जो है उसने हामी भर दी है, वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हो सकता है जिसका उस इलाके में एक अच्छा रुतबा है और इसी इलाके का वो रहने वाला भी है, ठीक है ना, और उसकी जो बैकग्राउंड है वो पहाड़ी वर्सेस गुज्जर का जो एक मुद्दा है उसको बैलेंस करेगी, उन दोनों में फिट बैठती है, तो भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर अपना दांव खेलेगी। लेकिन अगर वो रविंदर रैना को मैदान में या डॉक्टर शहजाद गनई को मैदान में लाते हैं तो फिर भी मुकाबला इतना टफ नहीं, इतना कठिन नहीं होगा, मतलब इतना आसान नहीं होगा जितना ये लोग सोच रहे हैं। वहाँ पर फाइट होगी क्योंकि मैंने आपको पहले बोला दो पूर्व मुख्यमंत्री इस मैदान में हैं, महबूबा अगर मैदान में आ जाती है गुलाम नबी आज़ाद हैं और सबसे बड़ा कदावर नेता उस इलाके में मियां अल्ताफ है, तो आपको उन तीनों का मैार देखिए ये सारे मिलकर मियां अल्ताफ को हराएंगे या फिर आज़ाद साहब अकेले खड़े होकर इन दोनों को हराकर भाजपा को जितवाएंगे? देखिए आज़ाद साहब के बारे में पहले मैंने बोला था कि वो शायद नहीं खड़े होंगे, लेकिन अब वो खड़े हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वोटों की कटिंग होगी। लेकिन लोग तो लोग कहेंगे ना कि उन आंसुओं का कुछ ना कुछ तो
पुरस्कार जो उन्हें मिला है, इन्होंने तो कुछ देना भाजपा को? वो आप इलेक्शन में खड़े हो गए, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपका कैंडिडेट नहीं देगी, इनको सपोर्ट करेगी? अगर अगर आंसुओं को देना तो फिर सपोर्ट कर दे। पहले आपको लगता आप राज्यसभा भी भेज सकते थे ना? ये तो गुलाम नबी आजाद ने देना ना उसका, उन्होंने तो दे दिया था पुरस्कार जो आरोप लगा रहे थे। गुलाम जी, जी आप इनकी बेटी में तभी आपको मिला। देखिए आजाद की पार्टी का और गुलाम नबी आजाद का और जीएम सरूरी का काफी कुछ इन पर दोनों पे कैंडिडेट्स पे डिपेंड करता है, क्योंकि नई पार्टी है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब बनती है उसकी कोशिश यही होती है कि भाई पूरी शिद्दत के साथ वो इलेक्शन अपनी पार्टी भी है। उसने डोडाउनपुर में क्यों नहीं अपना कैंडिडेट खड़ा किया? जम्मू पुंछ जम्मू रियासी में क्यों नहीं खड़ा किया? अनंतनाग में क्यों नहीं खड़ा किया? अनंतनाग में हो सकता है कि अभी तक उनकी प्लानिंग ही ना हो खड़ा करने की। अलायंस की बात भी चल रही है कि भैया गुलाम नबी आजाद की पार्टी और अपनी पार्टी का अनंतनाग से कर दिया घोषणा, बात चल रही है, अभी किया थोड़ी ना, अभी तक नहीं किया है, अभी तक क्या बात कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि इन पार्टियों का फोकस है वो असेंबली इलेक्शन पे है, ना कि लोकसभा इलेक्शन पे। लेकिन उनको दिखाना है कि भैया उनको भी अपना कैडर मजबूत करना है या अपने कैडर को बनाना है, तो कहीं ना कहीं उनकी भाजपा को छोड़कर और एनसी को छोड़कर किसी के पास कुछ खोने के लिए नहीं है। तो चलिए आखिर में एक सवाल बता दीजिए, 5 सीटें हैं, आप किस पार्टी को कितनी सीटें दे रहे हैं? अपना सर्वे बता दीजिए। अभी नहीं बता सकते। अच्छा, हमने अभी मैदान में जब उम्मीदवार आ जाएंगे, अच्छा प्रचार जब शुरू होगा तब उसके ऊपर आप आंकलन कर सकते हो। अभी क्या करना, अभी तो इनके पास कैंडिडेट ही नहीं है। हाँ, आप उधमपुर डोडा और जम्मू पुंछ वाली, जम्मू जो रियासी है, इसके ऊपर आप बात कर सकते हो कि जहाँ पर मैदान में उम्मीदवार पहुँच चुके हैं, यहाँ पर धड़ाधड़ बैठकें हो रही हैं, मीटिंगें चल रही हैं, प्रचार जोरों पर है। हर कैंडिडेट डोडा उधमपुर वाली सीट में दो चीज़ें आप देखिए, डॉक्टर साहब के पास खोने के लिए बहुत कुछ है और लाल सिंह के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बस। नहीं, आप उस परिपेक्ष में बात कर रहे हो कि लाल सिंह पहले हार चुका है, आप उस एंगल से बात कर रहे हो। मैं ये कि लाल सिंह पहले भी हार चुके वो बात नहीं है, वो अगर जीतने के लिए लड़ाई होती है, जीतने की लड़ाई है, लेकिन अगर वो मैं कह रहा हूँ कि उन वो देखिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अस्तित्व की इस समय, ठीक है ना। जब आप अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं ना, तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। डॉक्टर साहब लड़ रहे हैं अपना जो उनके ऊपर जो मंत्री पद है, डॉक्टर साहब उसके लिए लड़ रहे हैं, ठीक है ना, कि मुझे ये मंत्री पद बचा के रखना। वोटों के लिए भी वजूद की लड़ाई है, लाल सिंह के लिए वजूद होने के लिए कुछ नहीं है ना। दोनों लड़ाइयां जो दोनों लड़ रहे हैं वो होने के लिए कुछ लड़ रहे हैं, लेकिन डिपेंड करता है अगर डॉक्टर साहब हार गए तो क्या हुए ना, वोटर के मन में क्या है, वोटर के मन में क्या उनकी प्रतिष्ठा है, जहां इसका वो खोने के लिए कुछ नहीं है लाल सिंह का, तो उनको देखेंगे। वोटर का कोई पता नहीं चलता। चलिए आज का वोटर बहुत समझदार है। चलिए हमारे तो वोटर नहीं, हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि भैया टाइम हो गया, बड़ी लंबी ज़्यादा डिबेट हो गई है, आपको यहीं पे रोकना चाहूँगा, आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया। और जम्मू कश्मीर में आए दिन नई नई डेवलपमेंट हो रही है लोकसभा इलेक्शन को लेकर। कल भी गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी ने ये घोषणा की थी कि गुलाम नबी आज़ाद अनंतनाग लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ेंगे, और आज पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की तरफ से ये घोषणा की गई कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी भी जम्मू कश्मीर की, खास करके कश्मीर घाटी की 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।